हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे झारखंड के सबसे बड़े और घने जंगल सारंडा के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक से प्यार करते हैं तो आपको इस जंगल की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई अनोखे स्थान हैं जहां की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल सारंडा वन झारखंड उड़ीसा सीमा में फैला हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान काफ़ी समृद्ध है। ऐसे में अगर आप खूबसूरत झरनों, पहाड़ों एवं घने जंगलों में घूमने के शौकीन हैं तो सारंडा का जंगल आपके लिए उपयुक्त है। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे से भरपूर 700 पहाड़ियों एवं घने जंगलों का यह घर बहुत ही सुंदर दृश्य और रोमांच से भरा हुआ है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित सारंडा लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 700 पहाड़ियों से घिरा यह वन पूरे एशिया में साल वृक्ष की अत्यधिक संख्या के लिए भी जाना जाता है। पलाश के सुर्ख लाल फूल जब यहाँ की धरती को छूते हैं तो लगता है कि किसी ने लाल कालीन बिछा दिया हो। यह जंगल दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां लुप्त प्राय उड़ने वाली छिपकलियां पाई जाती हैं तथा जंगली हाथी, सांबर, चीतल, जंगली सांड, तेंदुआ भी यहां घूमते देखे जा सकते हैं। यहां बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां और अन्य पेड़ों का उत्पादक भी है। सारंडा की पहाड़ियों में आप किरीबुरु का जादुई सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार दृश्य देख सकते हैं। ये क्षेत्र पहले काफ़ी नक्सली प्रभावी था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार और झारखंड सरकार के प्रयासों से ये क्षेत्र बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। इस जंगल के आसपास हो जनजाति के लोग रहते हैं। भले ही घने जंगलों में घूमने का रोमांच आपको खासा उत्साहित करता हो, किंतु यहाँ अंधेरे के बाद घूमने फिरने का प्रोग्राम ना बनाएं। इसके अलावा यहाँ आम, जामुन, बांस, कटहल, कुसुम, महुआ, आसना एवं प्लास के भी अनेक पेड़ हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। धन्यवाद।